उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी भारी बारिश के बीच लगातार बाढ़ जैसे हालात बनते हुए दिखाई दिए। वहां बलरामपुर में बारिश की वजह से नदी नालों में बाढ़ आ गई और बाढ़ के पानी ने एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। बाढ़ की वजह से इलाके के कई गांव पूरी तरह पानी में डूब गए और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आने लगा। सैलाब में लोगों के मकान और झोपड़ियां डूबे दिखे। सैलाब का बहाव इतना तेज था कि लोगों के लिए वहां खड़े रहना भी मुश्किल हो गया। हर तरफ पानी भरने की वजह से खेत और मैदान झील की तरह नजर आने लगे। बाढ़ में फंसे कई लोग कमर तक पानी में डूबकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाते दिखे, जबकि एक जगह तो बाढ़ का पानी रास्ते के ऊपर से नदी की तरह बहता दिखा। बाढ़ की वजह से इलाके के लोग सहमे दिखे। हालांकि प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी होने का दावा किया। बाढ़ से जो हमारे यहाँ मेन समस्या आती है कि यहाँ डीप्स में काफ़ी पानी आ जाता है, इसके लिए कुल हम लोगों ने 24 नाव अभी मंगवा लिए जो 2 महीना रहेंगे। प्रयागराज में बारिश और तेज हवाओं की वजह से एक बड़ा पेड़ वहां खड़ी गाड़ियों के ऊपर गिर गया। पेड़ की चपेट में आने से गाड़ियां पूरी तरह बर्बाद हो गईं। जानकारी मिलने के बाद पहुंचे कर्मचारियों ने पेड़ को रास्ते से हटाने का काम शुरू किया। हम लोग मदद के लिए भागे, देखे कहीं कोई इंसान नीचे ना गिरा हो, तो जब नीचे आके देखे तो कोई इंसान नहीं गिरा था, खाली गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई।